जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश वस्ती कानपुर वाला। लास्ट क्लास पे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम, लेटेस्ट क्वेश्चन ग्रुप डी वाले। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दे, देखो जो यूथ की किताब है वो टाइप वाइज है, उससे आप सीख सकते हो और इस किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो लेटेस्ट क्वेश्चन का। सभी किताबों में सारे के सारे क्वेश्चन नहीं होते, इसलिए हमें कई सारी किताबों को फॉलो करना पड़ता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन यानी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, यानी एक्स वाला 21 घंटे में और वाई वाला 24 घंटे में भर सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पाइपों को एक साथ खोला जाता है, ये पाया गया कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगे। यानी पहला ही क्वेश्चन काफी अच्छा हो गया है, 3 स्टार दे रहा हूं क्योंकि इसको काफी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। देखो पहले तो 21 और 24 का आप एलसीएम ले लो, तो 21 क्या होता है, 7 तिया 21, 8 तिया 24, यानी 7 × 8 × 3 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, ये इसका एलसीएम होगा, क्या होगा वो डजंट मैटर। 21 से भाग दोगे तो यहाँ क्षमता 8 आ जाएगी, 24 से भाग दोगे तो ये 7 आ जाएगी। ये हमारी हो गई एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। और 8 7 होता है, अब देखो यहां कह रहा है पाइपों को एक साथ खुलाता है, पाया जाए तली में रिसाव का 8 मिनट अधिक लगते हैं, तो 8 7 15 से यहां भाग भाई, दोनों मिलकर अगर पहले टंकी को काम कर रहे होंगे तो 15 से भाग देंगे, 3 से ये 5 बार में गया, 56/5 यानी 5 से भाग दोगे तो 11 सही 1/5, 1/5 ये आवर्स में आया है, तो इसे हम कह सकते हैं 11 घंटे, और 1/5 को हम लोग 12 मिनट बोलें। सर 12 मिनट ही क्यों बोलेंगे, देखो तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 5 से भाग दोगे तो 12 आएगा, बात समझ में आया। ठीक है, अब यहां पर लिख रहा है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगे, यानी उस टाइम तीनों पाइप काम कर रहे होंगे। ध्यान देना, कलर चेंज कर देता हूं, तीनों पाइप काम कर रहे होंगे यानी एक्स भी वाई भी और एक पाइप और आ गया जेड, हमें मालूम नहीं चला जेड हमारा खाली करने वाला, और 48 मिनट अधिक लगे। एक्चुअल टाइम लगना था 11 घंटे 12 मिनट, इसमें 48 मिनट और जोड़ दो, जोड़ते ही ये हो गया कितना, 12 घंटे, 12 घंटे। अभी एलसीएम हम यही लेके चल रहे हैं, 7 8 3 यही ले लो, तो यहां से भाग दोगे तो 7 × 14, इसकी क्षमता आ गई 14। भाई एलसीएम हमने यही ले लिया क्योंकि 24 यहां पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए 8 लड्डू बनाता है, वाई 7 लड्डू बनाता है, बने 14 लड्डू, यानी एक लड्डू जेड ने तोड़ा होगा, जेड ने एक लड्डू तोड़ा होगा, और टोटल लड्डू कितने हैं, 8 7 3, बात समझ में है। तो 7 × 8 × 3 में 1 से भाग दो तो 24 सत्ते 168, यानी इसका आंसर 168 घंटा आएगा। मेरे दोस्तों इसी प्रोसेस से करते हैं, अभी लग रहा है कि ये काफी बड़ा है पर ऐसा नहीं, ये एक प्रोसेस है भाई। नियम क्या है कि एक्स 21 घंटे में वाई 24 घंटे में, तो पहले दोनों द्वारा चेक कर ले कितना समय लग रहा है, तो दोनों द्वारा 11 घंटे 12 मिनट लग रहा है। अब रिसाव के कारण 48 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो एक्स भी है वाई भी और जेड भी है, तो 11 घंटे 12 मिनट में 48 आप जोड़ दोगे तो
तो 12 घंटे हो गए और फिर से आपको वही चीज करना है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की क्षमता आ गई 14, एक्स 8 वाई 7, तो जेड एक कम कर रहा है क्योंकि वो खाली करने वाला है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 36 और 48 मिनट में भर सकते हैं, यानी ए किसी टैंक को 36 मिनट में, बी उसी टैंक को 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खुले आते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। अब यहां पर इसने साफ शब्दों में बोला है कि टंकी आधे घंटे में भर जाती है। अब देखो यहां पर चीजों को समझना है। देखो पहला उद्देश्य तो इसका एलसीएम ले लो, 36-48 का एलसीएम 144 होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 36 चौका 48 तीना 144 होता है, 36 से भाग दोगे तो क्षमता 4 आ गई, 48 से भाग दोगे क्षमता 3, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब मेन मुद्दे की बात यहां पर है, टंकी आधे घंटे में भर जाती है और पाइप बी को कितने मिनट के बाद बंद किया गया, यानी जो पाइप ए है वो शुरू से लेकर अंत तक चलता रहा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि बंद तो हमने किसको किया, बी को बंद किया, ए को तो बंद नहीं किया, बी को बंद किया, यानी ए तो शुरू से लेकर अंत तक। अब आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, तो 30 भाई एक मिनट में 4 लड्डू, 30 मिनट में 120, यानी 120 तो हमारा ये शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक ए करेगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, एस फॉर स्टार्टिंग। तो अब ए का तो मुद्दा खत्म, अब जो काम बचा है 24, वो काम क्या होगा, बी ने किया होगा। सीधी सी बात है भाई, स्टार्टिंग से एंडिंग तो हमने ए का निकाल ही दिया, तो बचा हुआ काम ही बी ने किया है। तो बी एक मिनट में 3 लड्डू बनाता है, बनाने 24 है, तो 24/3 यानी 8 मिनट, यानी बी ने सिर्फ 8 मिनट काम किया उसके बाद चला गया। तो बस सीधी सी बात है, 8 मिनट के बाद बी को बंद किया गया। उम्मीद है क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश है। एक टंकी को 3 पाइप ए बी और सी द्वारा 4 घंटे में भर जाता है। देखो यहां पर हमें जो दिया गया है उसके हिसाब से लेंगे। देखो लेटेस्ट क्वेश्चन, ए बी और सी द्वारा 4 घंटे में भर जाता है, पाइप सी पाइप बी से दुगुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से दुगना तेज है, यानी यहां एफिशिएंसी का मैटर आ गया। एफिशिएंसी निकालो कैसे, ए बी सी, पाइप सी बी से दुगना तेज है और पाइप बी ए से दुगना तेज है, यानी अगर ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता 2 है। यहां वाली लाइन से आओ, ये वाली से फिर उल्टा चलेंगे ना, पाइप बी पाइप ए से दुगना तेज है, यानी ए अगर 1 लड्डू बनाता है तो बी 2, पाइप सी पाइप बी से दुगना तेज है तो बी अगर 2 लड्डू बनाता है तो ये 4 बनाए, एफिशिएंसी आ गई, बोलो हाँ। अब देखा जाए यहां पर हमसे साफ शब्दों में बोलना है कि जो एबीसी है, एबीसी है वो इस काम को 4 घंटे में कर लेता है, तो 1 घंटे में तीनों मिलकर 7 लड्डू बनाते हैं और 4 घंटे में 28, तो ये हमारा एक तरीके से टोटल वर्क हो गया। अब ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो ए तो 1 घंटे में 1 ही लड्डू बनाता है, बनाने 7 और 4 मतलब 28 है, तो 1 से भाग दोगे तो ए द्वारा 28/28, तो इसका आंसर 28 आएगा, 28। प्यारे दोस्तों आपको हम बता दें, यूथ का जो सेकेंड एडिशन था टाइप वाइज करके, वो प्रॉपर वे में प्रकाश अवस्थी ऐप में हमने करा रखा है पूरा का पूरा, और बहुत कम फीस 100 रुपया में, ठीक है, बेहतरीन ढंग से। और उसके बाद सिर्फ आपको ग्रुप डी के लेटेस्ट क्वेश्चन और लगा लेने, सब कंप्लीट, और जो कि मैं यूट्यूब में करा दे रहा हूं,
भटकने की जरूरत ही नहीं, बस पढ़िए। पाइप ए और बी 1000 लीटर की टंकी को 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो वह 1800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लेंगे? देखो बड़े आराम से समझो, ए किसी टैंक को भरने में 5 घंटे लेता है, बी उसी टैंक को भरने में 6 घंटे लेता है। पहले बोलो हाँ, एलसीएम लेंगे 30 आया, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5, ये एफिशिएंसी आई, ठीक है बोलो। और देखा जाए 6-5, तो 6-5 होता है क्योंकि दोनों मिलकर भर सकते हैं, दोनों मिलकर 1000 लीटर की टंकी को भर रहे हैं, ए तो ये 11 है, 11 से भाग 30/11 जो टाइम है जो कि घंटे में है, वो बात की बात है, उसमें 1000 लीटर की टंकी भर रही है, किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा, ये बोला गया है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। अब ध्यान देना भाई, ए किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में, तो एलसीएम 30 आया और 6 और 5 इनकी एफिशिएंसी आ गई, दोनों मिलकर तो 11। अब देखा जाए ये लोग काम क्या कर रहे हैं, 1000 लीटर की टंकी भर रहे हैं ना, 30/11 टाइम में, टाइम मतलब आवर्स में, घंटा टाइम मतलब आवर्स में, ये टाइम आवर्स में, घंटा, बात समझ में आए। और हमें करवाना है 1800 लीटर की एक खाली टंकी को भरना। अब 1800 लीटर की टंकी भरना है तो यहां पर एक्स आवर्स लगेंगे, सीधी सी बात है। अब इसी का रेशियो ले लो, 30/11/x कर लो, 30/11 और x से भाग दोगे, और 1000/1800 तो 5/9 बोल सकते हैं भाई, भाग दे दो 200 से, 1000 पांच बार में जाएगा, 1800 नौ बार में जाएगा, 5 से ये 6 बार में गया, 9×6=54, 54/11 = x, यानी x 54/11 हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग सीख गए होंगे, सभी बोलो हाँ कि सर हम ये वाला भी क्वेश्चन सीख गए। एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए दो पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यदि टंकी, देखो ए और बी जो एक साथ चलते हैं वो 4 मिनट में भरते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलो इसको साइड में लिख लेते हैं, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम लगता है तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना लगेगा? देखो ऐसे क्वेश्चन को वाया ऑप्शंस कर लो तो ज्यादा जल्दी हो जाता है, करने को तो हम जनरल प्रोसेस से भी कर दें। तो आप इसको पहले समझो, इसने क्या पूछा है, तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगा, तो बी का पूछा गया, तो बी वाला टाइम मान लो एक्स है। अब यहां पर समझो ए को बी से 6 मिनट कम लगे तो यानी बी को एक्स लगेगा, तो ए को एक्स माइनस 6। अब सर बी को एक्स क्यों लिया, क्योंकि हम वाया ऑप्शंस करेंगे तो इसलिए। अब दोनों मिलकर 4 मिनट में, तो देखो बी 1 मिनट में कितना भर सकता है, 1/x, और ए 1 मिनट में कितना, तो 1/x-6, और टोटल 4 मिनट लगे तो यानी 1 मिनट में 1/4। बस इसको सॉल्व करना है, और इसी को सॉल्व करने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे 20 रखा, जैसे ये ऑप्शन में 20 रखा, सपोज आप हर चीज को समझना, अगर मैंने 20 रखा तो 20-6=14 हुआ और ये 20 हुआ, कुछ भी करोगे 4 आना कष्ट में, समझ गए ना। 6 नहीं रख सकते क्योंकि 6 में 6 गया 0 हो गया, तो 1/0 ये भी नहीं रख सकते। 15 में से 6 गया तो 1/9 आया, यहाँ 4 है ये ध्यान रखना, 1/9 और 1/15 एलसीएम लोगे तो कभी 4 का मल्टीपल नहीं बनेगा, तो ये 12 के चांसेस है, चेक जरूर करो। 12 रखो तो 12 में से 6 गया,
छह आया और यहां 12 आया, ऊपर आएगा 3, नीचे 12, इससे ये 4, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल बन गया ना, तभी तो आएगा ना। ठीक है, एक बार फिर समझो, जैसे ये 20 है तो 20 में 6 गया 14, 4 का मल्टीपल नहीं है और यहां 20 है। ठीक है, अब एलसीएम लोगे तो यहां 7 बना रहेगा ना, वो कहां से कटेगा, 6 लोगे तो खेला हो जाएगा। तो इसको वाया ऑप्शंस कर लो, डी का आंसर 12 मिनट। तो जल्दी हो गया, अन्यथा थोड़ा समय ले सकता है, बाकी प्रोसेस बहुत है, बहुत प्रोसेस है। ध्यान देना, किसी टंकी में 4 पाइप है, कितने पाइप है, 4, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए और अन्य 2 पाइप खाली करने के लिए। अकेले खोले जाने पहले 2 टंकी को इतने सेकंड में भर देते हैं, यानी मान लिया पहला पाइप ए है जो कि 40 सेकंड में भरता है, बी है जो कि 80 सेकंड में भरता है, जबकि अकेले खोले जाने में अंतिम 2 पाइप 80 और 160 सेकंड में खाली, तो ये तीसरा है 80 सेकंड में खाली कर रहा है, और जो डी वाला है 160 सेकंड में खाली कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितने समय भर जाएगी, मेरे दोस्त क्वेश्चन सिर्फ दिखने में है बड़ा, बाकी तो इसे फर्जी क्वेश्चन की श्रेणी में कहते हैं। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 160 ही आएगा, 40 से भाग दोगे 3, 80 से भाग दोगे 2, 80 से भाग दोगे -2, क्योंकि ये खाली करने वाला है, ये सिंबल जो ऊपर एक्स्ट्रा लगाया है वो खाली करने के लिए लगाता हूँ, समझ गए। 160 से तो ये 5 लड्डू बने और 3 लड्डू टूटे, 5 बने 3 टूटे, नहीं 40 से भाग दोगे तो 4 आएगा, सॉरी ये 4 क्षमता होगी, 6 बने 3 टूटे तो 3 ही आया, 160/3 बस यही इसका आंसर हो जाएगा, 50 पॉइंट समथिंग में जाएगा, 53.33, 50 से ऊपर ही जाएगा ना, तो एक ही ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। एक टैंक से 30 पाइप जोड़े गए, बहुत अच्छी बात है, सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से कुछ भरने वाले और शेष खाली करने वाले, तो भरने वाले पाइप को हमने ए मान लिया और खाली करने वालों को हमने बी मान लिया। ठीक है, प्रत्येक भरने वाले पाइप 24 घंटे में पूर्णतः भर देते हैं, भरने वाले यानी ए वाले पाइप जितने हैं वो 24 घंटे में भर सकते हैं और खाली करने वाले भाई 18 घंटे में खाली कर देते हैं। जब सभी पाइपों को एक साथ खुला जाए तो टैंक को पूर्णतः भरने में 1/2 घंटे का समय लगता है, दिए गए पाइपों में से खाली करने वाले पाइपों की संख्या। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, जो इसका एलसीएम लोगे वो 72 आएगा। अब यहां मुद्दे की बात है, तो करने को एक और प्रोसेस का, अब जैसे 30 पाइप है तो हमने माना एक्स, अच्छा हमसे दिए गए पाइपों में खाली करने वाले पूछा गया ना, तो खाली करने वाला पूछा गया तो एक्स खाली कर रहे हैं, तो भरने वाले होंगे 30 - x, यानी x का मान निकालो, ये एम्प्टी करने वाले और ये फिल करने वाले, 24 से भाग दिया तो क्षमता 3 आ गई और 18 से भाग दिया क्षमता माइनस का 4, लेकिन जो भरने वाले हैं वो टोटल पाइप है 30 - x, खाली करने वाले पाइप हैं x, समझ गए ना। तो अब ये बस यही क्वेश्चन सॉल्व करनी है, भरने में 1 सही 1/2 घंटा यानी 3.5 घंटा, यानी ये जो चले हैं एक 1.5 बोला गया ना, यहाँ देख लो ये लिखा है 1.5 घंटा, जिसे 3/2 बोलेंगे, तो 3/2 का यहाँ गुणा कर लो और 72 के बराबर कर लो, बस 3 से ये गया 24 बार में, 24 × 48 ये 90 हो गया, -3x, 90 - 3 ये तो 7x हो गया, 90 में 48 गया तो 42 आया, तो x बराबर किसके हो जाएगा, x बराबर 6 के, यानी 6 इज द राइट आंसर। उस क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर आएगा वो 6 आएगा, 6।
पाइप ए एक टंकी को एक्स घंटे में भर सकता और पाइप बी वाई घंटे में भर सकता और जेड मतलब सी जेड घंटे में खाली कर सकता है, ऐसा यहां बोला गया। ठीक है, यानी ए किसी टैंक को एक्स घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को वाई घंटे में भर सकता है और सी उसी टैंक को जेड घंटे में खाली कर सकता है। खाली जेड खाली सी के ऊपर बार लगा दिया। एबीसी सभी एक साथ खोल दिया जाए टंकी पूरा भरने में लगने वाला समय, एक्स वाई जेड का एलसीएम एक्स वाई जेड ही होगा। यहां पर वाई जेड क्षमता आ गई, यहां पर एक्स जेड क्षमता आ गई और यहां कम तो माइनस का एक्स वाई क्षमता आ गई, ये माइनस का आ गए। ठीक है, तो एबीसी सभी को एक साथ खोला जाए टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय। अब यहां पर ये चीज है हमारे सामने, ये चीज है, अब इससे भाग देना है एक्स वाई जेड और इससे भाग दो तो सीधी सी बात है तो वाई जेड एक्स जेड माइनस एक्स वाई, एक तरीके से फॉर्मूला पैटर्न में बना। अब देख लो किस पे है, ठीक है समझ गए ना, भी देख लेना माइनस का एक्स वाई है पहला ही वाला होगा। ठीक है, सारे ग्रुप डी के अभी तक आठ एक बार हो गया तो दो बार क्यों बताएंगे। नौवा नंबर, पी एक टैंक को 28 घंटे में भर सकता है, पी किसी टैंक को 28 घंटे में भर सकता है, क्यू 35 घंटे में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पी 28 घंटे नहीं 28 मिनट में भर सकता है और क्यू 35 मिनट में। यदि अच्छा पहला उद्देश्य 28 और 35, 7 चौक 28 7 पना 35, तो जो एलसीएम लोगे 7 चौक 28 7 पना 35 तो 140 ले लो भाई, 28 पंजा 140 होता है और 35 चौका 140 होता है। अब यहां कंडीशन, यदि टैंक खाली होने पर पी और क्यू को एक साथ खोल दिया जाए तो P को 12 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, Q को शेष टैंक भरने में। अब देखो P को 12 मिनट के बाद बंद किया जा रहा है यानी शुरू से लेकर एंड तक 12 मिनट के बाद, तो 12 मिनट तक P और Q दोनों काम कर रहे होंगे भाई, 12 मिनट के बाद बंद कर रहा है तो P और Q दोनों काम कर रहे होंगे। तो एक मिनट में ये 9 लड्डू बनाते तो 12 नवैया 108 बन गया होगा 12 मिनट। अब बंद किससे कर दिया गया, पीक, तो अब काम कौन करेगा, क्यू 108 यहां कम कर दो तो यहां पर जो आया वो 32 आया। और अब जब पी को बंद कर दिया तो क्यू करेगा, क्यू एक मिनट में 4 लड्डू बनाता है तो 4 से भाग दो 8 चौक 32, यानी क्यू को शेष टैंक भरने में 8 मिनट का समय लगेगा। एक टंकी में 3 नल हैं, टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है। ओके, इनका नाम नलों का हम एबीसी कर लेंगे। पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा नल 2 दिन लेता है और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है। अब ये दिन है तो 24 का गुणा कर लो। अच्छा आंसर दिन में घंटे में जो भी आए, ठीक है। अब तीनों नलों का प्रयोग कर रहे हो तो सीधी सी बात है तो घंटे में कर लो, ये 24 का गुणा, और जो तीसरा है वो 12 घंटे लेता है, इसका एलसीएम ले लो तो 24 चौका 96 इसका एलसीएम हो जाएगा, टोटल वर्क 96, 96 से भाग दोगे तो इसकी क्षमता 1 आया, इसकी क्षमता 2 आया और 12 8 96 तो यहां क्षमता आएगी 8, यानी ये हो गई इसकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, क्या हो गई, कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये आवर्स में है, हमने ये 96 जो हमने घंटे में लिया हुआ है, तीन नलों को उपयोग करके हुए तो एक घंटे में लोग 9 लड्डू बनाते हैं, 11 बनाते हैं, तीनों मिलकर एक घंटे में 11 बनाते हैं
छियानवे बटा ग्यारह, बस इसी का आंसर निकाल लो, 96/11 का, तो ये आ जाएगा 88, 8/11, 8 से ही 8/11, यानी इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे सी आएगा। कहता है 28 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए, इनमें से कुछ टैंक में पानी डालते हैं जबकि बाकी इसमें पानी निकाल देते हैं। पानी भरने वाले पाइप 14 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं जबकि निकासी वाले 35, टोटल 2.5 घंटे का खेला होता है। ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन कराया था ग्रुप डी का, सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन होगा। तेजी से कर लेते हैं, जो भरने वाले हैं उनको हम ए मान ले रहे हैं, ये 14 घंटे में भर देते हैं, और खाली करने वाले को बी मान ले रहे हैं, यहाँ सिंबल लगा दे रहे हैं माइनस का, 35 घंटे में खाली, 14 और 35 का एलसीएम 70 होता है। यहाँ क्षमता भरने वालों की 5 और खाली करने वालों की 2। अब टोटल 28 पाइप है, जहां से क्या पूछा है, पाइप निकासी के पाइप कितने थे, मालूम चला एक्स खाली करने वाले हमने माना, तो भरने वाले होंगे 28 माइनस, समझ गए ना। अब ये चीज समझ गए, कुछ नहीं करना, भरने वाले पाइप की क्षमता 5 है और ये पाइप है 28 माइनस एक्स, खाली करने वाले पाइप की क्षमता -2 है और ये पाइप है एक्स, ये सब 2.5 घंटे का समय लेते हैं, 2.5 घंटे को हम लोग 5/2 बोलते हैं, और ये टोटल काम कराना है 70, बस ऐसे ही कर लो, 5 से ये गया 14 बार में, 14 × 70 ये 28 हो गया, ये 140 हो गया, 5x हो गया माइनस का 2x हो गया, 140 में से 28 गया, 140 में से 28 गया, 112 आएगा बराबर 7x के आएगा, 112 में 7 का भाग दे दो तो 16 आ जाएगा, 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वह 16 आएगा, 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। 11 के बाद 12 नंबर, दो पाइप एक टैंक को 20 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं। अब देखो दो पाइप एक टैंक को 20 घंटे में और 60 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है, ये तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए 40 घंटे में भर जाएगा। देखो तीसरा पाइप भी खोला गया, यानी ए बी और सी जो कि खाली करने वाला है, टोटल 40 घंटे, अब इसका एलसीएम लोगे तो 120 ही आएगा, यहाँ ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 2 और ये क्षमता 3, यानी ए 6 लड्डू बनाता है, बी 2 लड्डू बनाता है, टोटल बनने हैं 3 लड्डू, 8 में से 3, यानी सी 5 लड्डू तोड़ता होगा, अब सी तो खाली करने वाला है ना, समझ गए ना, तो 5 कम करता होगा, तो भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा, टोटल काम कितना है, 120 है, 5 से भाग दे दो 24, ठीक है 24 इज द राइट आंसर। कहता है पाइप पी 20 घंटे को एक टैंक को पूरा पूरा पानी निकाल सकता है, यानी इम्पटी वाला, यानी पी किसी टैंक का पानी 20 घंटे में खाली, अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है, क्यू भी निकाल सकता है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए टैंक 12 घंटे में खाली हो जाती है, यानी पी भी और क्यू दोनों खाली करने वाले हैं, 12 घंटे में जब दोनों साथ में, तो एलसीएम ले लो 60 है, यानी पी 5 लीटर पर मिनट या 5 लीटर या 5 यूनिट पर आवर्स, सॉरी 20 से भाग दोगे ना, एक सेकेंड 20 से भाग दोगे तो ये 3 यूनिट और 20 × 3 = 60 होता है, 12 से तो ये 5 होता है, यानी पी की क्षमता -3 है, क्यू की क्षमता -2 है, -2 है, तो टैंक की क्षमता निकालना है ना,
यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है। पॉइंट क्या है? सम। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकालता है, तो क्यू 20 लीटर निकालता है, यानी एक घंटे में 20 लीटर पानी निकाल दे रहा है, यानी खाली कर रहा है। जब टैंक में होगा तभी तो खाली करेगा। और टैंक को क्यू 30 घंटे में खाली कर देता है, 60/2 30 घंटे में, दोनों साइड 30 का गुणा कर दो, समझ गए? 600 लीटर। राइट आंसर ऑफ दिस वन 600 लीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश वर्जन से ही हम लोग करेंगे, अभी से बता दे रहे, ठीक है? क्योंकि मुझे मालूम है, इसीलिए 14 और 15 में हिंदी वर्जन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो पहले इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। अ टैंक इज फिटेड विथ थ्री इनलेट, द फर्स्ट टू व्हेन ओपन साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम एज दैट टेकन बाय द थर्ड इनलेट, यानी दो भरने वाले जो पाइप हैं ए और बी, जितना समय लेते हैं, ध्यान देना, ए और बी उतना ही समय सी लेता है, और सी का टाइम हमने एक्स मान लिया। बात समझ में आई? अ टैंक इज फिटेड विथ थ्री इनलेट पाइप, मतलब तीन भरने वाले पाइपों से बना हुआ है। जब पहले दो एक साथ खुले तो टंकी भरने में उतना ही समय लगता है जितना उनके तीसरे इनलेट द्वारा टंकी को भरने में लगता है, यानी यहां तक हिंदी भी सही। कहता है द सेकेंड इनलेट कैन फिल द टैंक 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड, यानी जो सी वाला है इसको हमने एक्स माना, सेकेंड हमारा बी है स्लोवर, अगर ये एक्स घंटे में बढ़ता है तो स्लोवर का मतलब ये एक्स प्लस 4 घंटे एक्स्ट्रा, ये स्लोवर का मतलब होगा, नहीं समझे? मैं आपसे फास्टर हूं तो मैं कम समय लूंगा ना, इसका मतलब आप मुझसे स्लोवर हो तो आप ज्यादा समय लोगे ना मुझसे, ये भाषा पढ़ो। और यहां पर पढ़ोगे कहां गया, कल्सर भाग जाता है, इस लाइन को पढ़ो, द सेकेंड इनलेट कैन फिल द टैंक 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट एंड 4 आवर स्लोवर देन द थर्ड। अब फास्टर है सेकेंड वाला, यानी बी फास्टर है ए से, कितना 5 आवर, तो ये 5 घंटे कम होगा ना, तो 4 में 5 और जोड़ दोगे 9। अब यहां से देखो, ये बी वाला 5 घंटे फास्टर हुआ और बी सी से 4 घंटे स्लोवर हो गया। बात को समझो, यही लाइन मेन है, इसीलिए आपको ऐसे, ठीक है, दूसरे इनलेट को टंकी को भरने में पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक और तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम, ठीक है? वैसे हिंदी भी सही है, वो मेरा पढ़ने में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, आप मोटा मोटा समझो, तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम, ये हाँ हिंदी गड़बड़ है, ये जो शब्द कम है, कम नहीं धीमे यूज होना चाहिए, धीमे स्लोवर, स्लोवर का अर्थ समझ गए ना, अलग ढंग से निकलता है। मैं यानी सी पाइप हूं, आप भी हैं, आप मुझसे 4 घंटे स्लोवर हैं, यानी मैं एक्स टाइम लूंगा तो आप एक्स प्लस 4, क्योंकि 4 घंटे आप मुझसे अधिक लोगे तभी तो स्लोवर हुए ना, और आपका पड़ोसी है ए, उससे आप 5 घंटे फास्टर हो, फास्टर अधिक नहीं फास्टर, ये अधिक शब्द हिंदी का गड़बड़ निकलता है, फास्टर तेज होना, यहां तेज होना था, यहां धीमे लिखना चाहिए था, अधिक और तेज नहीं तेज, तो आपसे तो दूसरा आपसे 5 घंटे स्लोवर होगा तभी तो आप तेज होगे ना, ये चीज होता है। अच्छा, इसमें हम लोग पहले से एक बात जानते हैं, कॉन्सेप्ट होता है कि ए बी अगर किसी काम को करने में एक्स आवर लेता है,
ए अकेले एक्स के साथ ए एक्स्ट्रा लेता है और बी एक्स के साथ बी एक्स्ट्रा लेगा अकेले काम करने में। तो जो ये एक्स की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट अंडर रूट ए बी होती है। ये हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था और बहुत फैशन में है, ट्रेडिशनल मेथड है। अब देखा ये जाए पहला इनलेट अकेले टंकी को कितना समय लेगा, तो ये जो ये चीज है ना, तो यहां पर ये बोला गया है इस टाइप से, तो डायरेक्ट जो एक्स का मान होगा वो अंडर रूट 9 × 4 होगा, तो ये 6 आ जाएगा पहला इनलेट अकेले टंकी को भरने में। तो 9 × 6 = 15, उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था मेरे दोस्त। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ए बी किसी टैंक को भरने में उतना ही समय लेता है जितना सी, तो माना सी एक्स लेता है, इट मीन्स ए बी भी एक्स हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम पहले एक थ्योरी को जानते हैं जो ये कॉन्सेप्ट साइड में लिखा गया है। अगर ए बी किसी को भरने में एक्स टाइम लेता है तो ए एक्स के साथ ए एक्स्ट्रा लेगा, बी एक्स के साथ बी एक्स्ट्रा लेगा। तो जो डायरेक्ट एक्स का निकालते हैं फंडा है, सीधे याद करना है एक्स बराबर अंडर रूट ए बी होता है। अब कहता है बी सी से स्लोवर है, इंग्लिश वर्जन स्लोवर है, 4 घंटे स्लोवर। तो बी अगर एक्स ले रहा है तो सी एक्स ले रहा है तो बी एक्स प्लस 4 लेगा, और बी ए से 5 घंटे फास्टर है तो ये एक्स प्लस 9। ये अब बस इन दोनों से सॉल्व करना है, इससे नहीं करना, ये तो हो गया। ठीक है, एक्स बराबर 9 × 4 तो ये 36, 6 × 9 = 6 = 15, समझ गए ना। चलिए, 4 क्वेश्चन बचे हैं, बड़े आराम से करेंगे। ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है, इसका भी हम इंग्लिश वर्जन देखेंगे, हो सकता है हिंदी में कुछ गड़बड़। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था 14 और 15, थोड़ी सी भाषा में होगा। टाइप ए और बी व्हेन वर्किंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स, यानी ए बी मिलकर किसी टैंक को 8 घंटे में भर लेते हैं। बी इज स्टॉप्ड आफ्टर 2 आवर्स, यानी बी को 2 घंटे के बाद स्टॉप कर दिया जाता है। तो काम हमेशा एक होता है जिसे 100% बोलते हैं। बी इज स्टॉप्ड आफ्टर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे तक ए बी ने काम किया होगा। तो 1 घंटे में 1/8, 2 घंटे में 2/8, जिसे हम 1/4 कहते हैं। तो बचेगा 3/4, बचेगा 3/4। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक साथ दोनों पाइपों को चालू करने पर 2 घंटे के बाद यदि बी को बंद कर दिया जाए तो टैंक को भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। अब 11 घंटे लग जाते हैं, यानी 2 घंटे तो पहले हमने यूज कर लिए, तो बचे अब 9 घंटे, और किसको बंद कर दिया गया, बी को बंद कर दिया गया, यानी ये 9 घंटे में 3/4 काम ए कर रहा होगा, 3 से गया 3 बार में, यानी ए अगर पूरा काम कराओगे तो ए 12 घंटे में करेगा, 3 × 12, तो पाइप ए खाली टंकी को 12 घंटे में, तो 12 घंटे इज द राइट आंसर। इट विल टेक 11 आवर्स टू फिल द टैंक, इट विल टेक, देखो अब यहां मैटर क्या था कि हिंदी इंग्लिश में क्या मैटर है, सम इंग्लिश में साफ शब्दों में बोला गया कि टोटल ऑफ 11 आवर्स, 11 घंटे, यानी 2 घंटे काम हो गया 9, और हिंदी में देखोगे तो 2 घंटे के बाद यदि बी को बंद कर दिया जाए तो शेष को भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में क्या गड़बड़ है, बात समझ में आ गया ना, मतलब टोटल टाइम 11 घंटे, तो दैट्स वाई इंग्लिश वर्जन, समझ गए, समझो भाई, लिखा ही इसीलिए मैंने बताया, इसीलिए भाई ये मैटर है। तो प्रवेश पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे से दुगनी है और दोनों एक निकासी नली के साथ काम करते हैं। अब देखो दुगनी यानी एफिशिएंसी की बात हो रही है, ए और बी दूसरे की तुलना में दुगनी है, यानी अगर बी एक लड्डू बनाता है, मतलब यहां हम साइड में लिख ले रहे हैं बाकी बाद में देखेंगे, बी अगर एक लड्डू बनाता है तो इसी पैटर्न में ए 2 बनाएगा। दो प्रवेश पाइप में एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दुगनी है। ठीक है, इसको साइड में लिखते हैं। अब वो एक्चुअल में क्या है कि उसी रेशियो में चलता है, इसलिए दोनों एक निकास नली के साथ काम करते हैं जो 8 घंटे में टंकी को खाली कर देता है, यानी ए बी
के साथ सी भी आ गया और 8 घंटे में खाली कर देता है, खाली कर सकता है, और 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है। क्या है ये? इंग्लिश देखते हैं। टू वर्किंग अलोंग साइड अ ड्रेन पाइप देन कैन इम्पटी असिस्टेंट ऑल बाय इटसेल्फ इन 8 आवर्स। कैन फिल द एम्प्टी टैंक सिस्टम इन 8 आवर्स। अच्छा अब सुनो, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि तीनों मिलकर ए बी और सी भी मिल जाए तो 8 घंटे में टंकी भर जाती है, ए 8 घंटे में टैंक को खाली कर देते हैं, और सी नहीं, तीनों मिलकर ए भी भर रहा है, बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है, तो 8 घंटे में भर जाती है, और सी अकेले 8 घंटे में खाली कर देता है। देखो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड भाषा, ठीक है। दोनों एक निकास नली के साथ काम करते जो अकेले 8 घंटे में खाली टन खाली कर सकते हैं, मतलब जो जो अकेले खाली कर सकता है 8 घंटे में, यानी सी 8 घंटे खाली कर सकता है, कॉमा 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, तो तीनों मिलकर 8 घंटे में भर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है भाषा पे। कम दच इनलेट पाइप यानी भरने वाला खाली टैंक को स्वयं भरने के लिए कितने घंटे लेगा? अब देखो यहां मुद्दा है, देखो जनरली हम एलसीएम यहाँ 8 ही लेंगे, अब ये नहीं कह सकते कि 24 एलसीएम होगा, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ क्षमता 1 आएगी और यहाँ क्षमता माइनस का 1 आएगी, यानी सी की क्षमता -1 हो गई, और कहीं ना कहीं देखा जाए ये -1 यहाँ जोड़ दो तो ए बी की जो क्षमता 2:1 के रेशियो में वो 2 के बराबर होनी चाहिए। ये -1 इधर ला के जोड़ो भाई, ए ए बी सी की ए प्लस बी -1, -1 आया 2, यानी ए बी की क्षमता अब 2 होनी चाहिए, 2 को, तो ये वाला पार्ट जो आएगा मेरे दोस्त ये 4/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। सर कैसे? अब 2 है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करो, तो पहला पार्ट जो होता है वो 2/3 × 2, फिर दूसरा पार्ट होगा 1/3 × 2, समझ गए, यानी ए की जो क्षमता है वो 4/3 लोगे और बी की क्षमता 2/3, तो कम क्षमता किसकी है? बी की है, काम कराना है 8, 8/2/3, ये 6 × 4 = 12, यानी B 12, 16 का जो आंसर आएगा 12। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपसे कहूंगा इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ना, दोबारा स्वयं से करना, ठीक है। देखो ए बी की क्षमता 2:1 के रेशियो में, अगर मैं 4/3 और 2/3 भी लिखता हूं तो वो भी 2:1 का रेशियो होता है, रेशियो मैटर होता है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन 16 नंबर, समय लगाइए आप लोग एक बार इसको करने में। और दो पाइप एक खाली टैंक को 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए 32 घंटे में भर सकता है, बी 48 घंटे में भर सकता है, जबकि कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा है तो पाइप सी पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है 64 घंटे। इसका एलसीएम तो सीरीज बात है 64/3 ही होगा, 64/3 क्यों, 32 के अंदर 64, 64 के अंदर 32 आ गया और 64 के अंदर 16 आ गया, तो 16 × 48, समझ गए ना, तो 64 × 3 192 होता है। 32 से भाग दोगे, ए की क्षमता 6 आ गई, बी की क्षमता 4 आ गई और सी की -3 आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो कंडीशन कहता है शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी एक साथ चालू किया गया, कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और उसी समय बी को चालू किया, ऐसा करते हुए टंकी 112 घंटे लगे। देखो तो 112 घंटे लगे, यही बात को समझना है, 112 घंटे लगे, कुछ घंटों के बाद पाइप ए बंद कर दिया गया, उसी समय बी को चालू किया गया, ऐसा करते हुए बी को भरने के लिए, जब बी को कितने घंटे तक चालू रखा गया, तो माना बी को एक्स घंटे तक चालू रखा गया, ये बी के लिए, बी को, तो ये 112 - x, पहले अभी समझना,
हमें एक्स ही निकालना होगा, बहुत पेशेंस रखना। तो ये जो ए और सी चल रहे थे कुछ घंटे के बाद, तो ये 12 माइनस, समझ गए ना, ए को बंद कर दिया गया। तो अभी ए को बंद कर दिया गया तो साथ में काम कौन कर रहा है? ए को बंद कर दिया तो सी कर रहा है ना बी के साथ। बस निकाल लो मेरे भाई। तो 112 माइनस x, ये कौन? ए और सी। ए और सी यानी 3, 6 में से 3 गया 3, ठीक है, और प्लस का 6 माइनस का 3, समझ गए ना। और सी और बी, सी और बी, तो ये प्लस का 1 ही आएगा, ये एक्स, टोटल 192, समझ गए ना। 112 तिहाई 336 माइनस 3x प्लस एक्स 192, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x, और 6 में से ये 4 आ गया, और 13 में से 9 गया, 4 आ गया, और ये 1, यानी x बराबर 72। मेरे दोस्त सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, सिर्फ एक क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन का मुश्किल से 1 मिनट का खेला है, और ध्यान देना। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे दोस्त 72 घंटे आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत तेजी से समझेंगे। देखो क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन में, क्या कहता है? कहता है दो पाइप ए और बी एक टैंक को 25 मिनट और 25 मिनट और आधे घंटे में, बहुत तेजी से समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ए 25 मिनट में और बी आधे घंटे में, यानी 30, और पाइप सी तीनों 3 गैलन, मतलब 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। तीनों पाइप ए बी सी चल रही है, टैंक 15 मिनट भर जाता है, यानी ए बी और सी। तो ये जो खाली कर रहा है, मतलब भर रहा है, वो 15 मिनट में। एलसीएम लोगे मेरे दोस्त इसका 150 आएगा, बोलो हाँ। यहां भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 25 छक्का 150 होता है, 30 पंजा होता है, और 15 दसा होता है, यानी ए की क्षमता 6 हो गई, बी की क्षमता 5 हो गई, और सी की क्षमता -1 हो गई। बहुत तेजी से समझना इस क्वेश्चन को। अब हमसे कहता है टैंक की धारिता क्या है, तो सी खाली कर रहा है 150, यानी कहीं ना कहीं 150 घंटे में सी खाली कर देगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। हमसे बोला गया सी 3 गैलन प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, और 1 मिनट में 3 गैलन, 1 मिनट में, यहां पर मिनट है ना, और हमको 150 मिनट में निकालना है कितना गैलन। तो 150 का दोनों साइड गुणा कर दो, तो 150 तीना 450, तो मेरे दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर 450 आएगा। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आ गया होगा, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं प्रकाश कानपुर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।